बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ सब दोस्त खैरियत से होंगे। इसी दुआ के साथ आज का व्लॉग करते हैं शुरू। तो अभी मैं जा रहा हूँ अपने खेत में, सुबह सुबह का टाइम है। तो अबू जी कह रहे थे खेत से थोड़ी सफाई करनी है, क्योंकि वहाँ पे थोड़ा बाजरा जो है वो बच गया है। पहले वाला जो पहले हमने काश्त किया था वो कट चुका है, और उसके जो छोटे छोटे तने हैं वो निकले हुए हैं। तो अभी वो काटने हैं, वो कटाई करके उसके बाद जो है वो उसमें शटाले की काश्त करनी है। अभी मैं आया हूँ अपने खेत में और साथ मेरे फाहिद हैं। फाह साहब ना शलवार बड़ी उत्ते कर ली है, की गल है फाह साहब? यानी शलवार क्यों उत्ते की तीजे? की पाई दी है? त्रेल। त्रेल पाई दी है? त्रेल ना की हुंदा है? कपड़े खराब हुंदे। सही है। ते किन्ने मिंट अज को वड छड़ेगा सारा ही? 10 मिंट। मैं भी नाल लगा या कल्ले वड लेगा? नाल लगा तू ही। अच्छा, कल्ले नहीं उड़ाऊंगा। चलें जी, मैं भी इसके साथ इसकी मदद करता हूँ, और जल्दी जल्दी हम दोनों जो है ये इसकी सफाई कर लेते हैं, ऊपर से सारा काट लेते हैं। उसके बाद ट्रैक्टर मशीन आएगी तो वो इसमें जो है ना इसकी खुदाई करेगी सारी खेत की, तो उसके बाद शटाले की बजाई की जाएगी। यहाँ पे ये हमारी खेत के साथ ही खेत है, तो इधर माशाल्लाह ये देखें बाजरे के सिट्टे के ऊपर दाने, माशाल्लाह देखें कितने ज़्यादा हैं। ये इंडियन बाजरा है जी, इधर हमारे यहाँ पे बोलते हैं इंडियन बाजरा, और हमने जो काश्त की हुई थी वो देसी बाजरा था, और ये इंडियन बाजरा है। ये सामने वैन आ रही है बच्चों के स्कूल के लिए, ये हमारे गांव से गुजरती है और बच्चों को यहाँ से पिक करती है, स्कूल लेके जाती है। ये स्कूल वैन है। ये जी हमारा लड़का भी वो थक चुका है, कहता मैंने बहुत ज़्यादा कटाई कर ली है, अभी मुझे सांस लेने दे तो फिर शुरू करते हैं। चलें जी अरफाज साहब, आराम से सांस लें बैठ के, तो फिर काटते हैं। सही है? अल्हम्दुलिल्लाह जी, खेत की सफाई हमने कर दी है। ये आप देख सकते हैं, ये जगह जगह पे हमने ढेर ये लगा दिया बाजरा काट के। अभी कपड़ा लेके आएंगे, उसमें ये सारा बाजरा डाल के घर ले जाएंगे। वर्जिश हमारी सुबह सुबह खेतों में ही हो जाती है, तो खैर ये अच्छी बात है, साथ साथ काम भी हो जाता है और साथ वर्जिश भी हो जाती है। खेत में बनियाँ बनानी थी, अबू जी और मैं और फाहद खेत में आए हैं, तो मिलके खेत में बनियाँ बनाते हैं। तो बनियाँ बनाने का फ़ायदा ये होता है कि पानी जो है वो आराम से लग जाता है, ऐसे जो बनियाँ ना बनाएं तो फिर पानी जो है ना वो बहुत मुश्किल होता है, खुला ही पानी छोड़ना पड़ता है पूरी खेत में, फिर पानी पर काफ़ी टाइम लग जाता है। तो बनियाँ बनाई हों तो पानी एक क्यारे में, फिर दूसरे क्यारे में, फिर तीसरे क्यारे में, ऐसा स्टेप बाई स्टेप पानी लगाया जाता है। अभी फाहद और अबू जान बनी बना रहे हैं, बाद में मैं शुरू हो जाऊंगा।
करनी है सारी कंप्लीट हो चुकी हैं, तो गर्मी बहुत ज़्यादा है, अभी मैं घर जा रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, शुक्रिया। तो खैर आज का व्लॉग यहीं पे करते हैं ख़त्म, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।